नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। पीएम श्री शासकीय हाई स्कूल चमेली चौक के छात्र छत से टपकते हुए पानी के बीच बैठकर कर रहे हैं शिक्षा ग्रहण। स्कूल की बाउंड्री वॉल से सटी हुई दुकान पर हो रही है नशीले सामानों की बिक्री। पीएम श्री विद्यालय प्रारंभ करने के लिए सागर जिले के 15 विद्यालयों का चयन किया गया, जिसमें निजी विद्यालयों की तर्ज पर उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ साथ समस्त मूलभूत सुविधाएं संसाधन उपलब्ध हों। सागर जिले की 15 पीएम श्री शासकीय स्कूल में से एक है सागर शहर की पीएम श्री हाई स्कूल चमेली चौक, जहां करीब 400 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यहां शिक्षा का स्तर तो काफ़ी संतोषजनक नजर आया, लेकिन स्कूल में भारी अव्यवस्थाओं का माहौल देखने को मिला। यहां पढ़ने वाले विद्यार्थी छत की सीलिंग से टपकते हुए पानी के बीच बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहां दिए जाने वाला मध्याह्न भोजन गुणवत्ता विहीन है। यहां पढ़ने वाले कई छात्र स्वयं अपने घरों से खाने का टिफिन लाते हैं। कई छात्रों से जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज ने स्कूल के छात्रों से बात की तो छात्रों का कहना था कि मध्याह्न भोजन गुणवत्ता विहीन होता है, इसलिए हम अपने घर से लंच बॉक्स लाकर खाना खाते हैं। वहीं स्कूल की बाउंड्री से लगी एक दुकान पर गुटखा सिगरेट जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री बेखौफ जारी है, जबकि शासन के नियमानुसार किसी भी स्कूल के पास इस तरह की दुकानों का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यहां स्कूल की सफाई व्यवस्था भी चौपट देखने को मिली। प्रतिदिन यहां सफाई न होने के कारण गंदगी का आलम बना रहता है। स्कूल के प्रत्येक भवन में सीलन तो कहीं पानी की बूंदें टपकती हुई नजर आती हैं। जब इस संबंध में स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर आसमा जैन से बात की गई तो उनका कहना था कि इस संबंध में फोन द्वारा प्रशासन को अवगत कराया गया था। जब उनसे पूछा गया कि इस संबंध को लेकर कोई लिखित आवेदन दिया गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो नहीं दिया, परंतु शीघ्र ही स्कूल की बाउंड्री वॉल से लगी हुई दुकान को हटाने एवं सीलिंग से टपकते हुए पानी को लेकर छत की मरम्मत हेतु संबंधित विभाग को शीघ्र अवगत कराया जाएगा। सागर से जिला ब्यूरो राजेश पारसर की रिपोर्ट। क्या सुन नाम है आपको मैडम? डॉक्टर श्रीमती आसमा। जैसे कि हम लोग स्कूल में आए हैं और देखा व्यवस्था नहीं है, तो ये छतों पर पानी टपकता है, इसको लेके आपने प्रशासन को अवगत नहीं कराया? जी सर, अभी 3 साल पहले करवाया था और एक छत के लिए हो गई थी और अभी द्वारा समय पर जमित करके अवगत कराया। तो ये हर साल आपके लिए कंटिन्यूसी मिलता है? जी सर। हर साल नहीं करवाया आपने, ये बहुत क्षतिग्रस्त है छत। सर, कंटिन्यूसी जो मिलती है शौचालय की साफ सफाई, विद्यालय परिसर की साफ सफाई के लिए वो राशि उसमें तय कर दी जाए। तो 3 साल से लगातार पानी टपके रहा, तो उसको आपने ये नहीं समझा कि रिपेयरिंग की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए? सर, इसी बार अभी टपकता हुआ दिखा है, 3 साल अभी नहीं दिखा कि स्कूल की बाउंड्री के आपको नियम है, स्कूल की बाउंड्री से कितने मीटर बाहर 100 मीटर के दायरे में आती कि मैडम जो पानी के टपरे संचालक हैं जो नशीली पदार्थ बेचते हैं, इनको लेके आपने प्रशासन को अवगत नहीं कराया कि मैं हटना चाहिए? सर, मैंने अभी 1 साल पहले मोतीनगर थाना में लिख करके दिया था कि यहाँ पर जो है एक टपरा लगा हुआ है, उनसे किसी लोगों ने शिकायत की है कि नशीले पदार्थ रखते हैं, तो पुलिस प्रशासन यहाँ आया था और पुलिस प्रशासन ने आकर के उनको बोला। लोग कहते हैं कि मैडम जैन समुदाय से, जैन समुदाय को बोला गया है और यहाँ पर लाइट स्कूल से चोरी चलती है। सर, मैं पंचवार धर्मवाद को लेकर के बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बैठी हूँ और संस्था में 8 शिक्षक हमारे जैन है। मैं जैनवाद पंचवाद की बात कभी नहीं करूँगी, मैं बच्चों के हित की बात करती हूँ। लाइट चोरी हो रही है स्कूल के नहीं आपने? सर, हमारी नज़र में तो अभी कहीं से दिखा नहीं, अब बाद में कहीं से और आ जाता हो तो सर उसके बारे में। अतिक्रमण किए हैं आपके स्कूल परिसर के सामने जी, तो इसके लिए आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? सर, मैं आज निगम को DO ऑफिस में पत्र लिख करके तत्काल से इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करूँगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बुंदेलखंड की ताज़ा तरीन तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज के साथ।